वन प्लस थ्री एक ऐसा फ़ोन है जिसे हम सभी एक फ्लैगशिप किलर कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि लगभग 28,000 रुपये में ये फ़ोन आपको प्रीमियम फ़ोन वाले फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है। पर लेनोवो ने हाल ही में मोटो जी प्ले लॉन्च करके वन प्लस थ्री को करारा जवाब देने की कोशिश की, और इसी वजह से आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मोटो जी प्ले वन प्लस थ्री से बेहतर साबित हो पाएगा, कि क्या हम इस फ़ोन को भी फ्लैगशिप किलर कह पाएंगे। आइए देखते हैं मोटो जी प्ले वर्सेस वन प्लस थ्री। लुक्स की बात करें तो ये दोनों ही फोन्स 5.5 इंच के हैं और ये बेशक प्रीमियम और एलिगेंट लगते हैं। मोटो जी प्ले ग्लास और मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, वहीं वन प्लस थ्री फुल मेटल बॉडी फ़ोन है। जहां एक और मोटो जी प्ले दूसरे ग्लास वाले फ़ोन्स के कंपैरेटिवली कम स्लिपरी है, तो मोटो जी प्ले का एडवांटेज ये है कि इसका बैक पैनल कर्व्ड है और अपने स्लिम डिज़ाइन की वजह से ये फ़ोन आपके हाथ में एक अच्छा फील फैक्टर देगा। पर आपको बता दूं कि मोटो जी प्ले वन प्लस थ्री से एक मामले में आगे निकलता है, और वो है मॉड्यूलैरिटी। यानी इस फ़ोन की बैक में आपको 16 मैग्नेटिक पिन्स मिलेंगे, जिसमें आप कुछ एक्सेसरीज यानी मोटो मॉड ऐड करके इस फ़ोन को एक डिजिटल कैमरा, एक बेहतरीन स्पीकर या फिर एक प्रोजेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये फीचर एक फ्यूचरिस्टिक फीचर है, ये डेफिनेटली आपको भीड़ से अलग रखेगा। और आपको बता दूं कि ये मोटो मॉड्स काफ़ी महंगे भी आते हैं। अब इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले को देखेंगे तो मोटो जी प्ले का डिस्प्ले टेक्निकली वन प्लस थ्री से अच्छा है, पर जब हमने इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर किया तो हमें वन प्लस थ्री का डिस्प्ले मोटो जी प्ले के डिस्प्ले से बेहतर लगा। और उसकी वजह यह है कि वन प्लस थ्री का डिस्प्ले वाइब्रेंट है और ब्राइट है, और ऊपर से मोटो जी प्ले का डिस्प्ले काफ़ी वार्म भी है, जिसकी वजह से उसके वाइट्स नहीं लगते। पर ऐसा नहीं कि मोटो जी प्ले का डिस्प्ले बेकार है, उसका डिस्प्ले भी कुछ कम नहीं। आप ये डिफरेंस तभी पता लगा पाएंगे जब आप इन दोनों फ़ोन्स को एक साथ देखेंगे। अगर आप इन दोनों फ़ोन्स को इंडिविजुअली देखेंगे तो आप इनमें कोई अंतर नहीं बता पाएंगे। सॉफ्टवेयर वाइज इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको एंड्रॉयड मार्शमेलो मिलेगा, और ये दोनों ही आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील देंगे। और इन दोनों ओएस के अपने ही कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वन प्लस थ्री में ओएस होने की वजह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो मोटोरोला में आपको चॉप चॉप फ्लैश, ट्विस्ट फॉर द कैमरा और मोटो वॉइस जैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा ओएस ज़्यादा पसंद आता है। अब बात करें स्टोरेज की, तो वन प्लस थ्री में आपको 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, जबकि मोटो जी प्ले में है 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक्सपैंडेबल है। अब अगर आपके लिए कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप बिना सोच समझे वन प्लस थ्री को खरीद लें। अब हालांकि दोनों ही फ़ोन्स में आपको 16 MP का रियर कैमरा मिल रहा है, पर जब हमने इन दोनों फ़ोन से पिक्चर्स क्लिक करी तो लो लाइटिंग कंडीशन हो या आउटडोर लाइटिंग कंडीशन हो, HDR के साथ हो या बिना HDR के हो, हर कंडीशन में वन प्लस थ्री बेहतर कैमरा साबित होता है। और ऊपर से मोटो जी प्ले में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिल रहा। इनफैक्ट वन प्लस थ्री का फ्रंट कैमरा भी अपने 2.0 अपर्चर की वजह से मोटो जी प्ले से बेहतर है, पर मोटो जी प्ले में आपको फ्रंट में LED फ्लैश मिल रही है, तो इसकी वजह से आप इस फोन से अंधेरे में भी पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। अब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो वन प्लस थ्री में है स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और 6 GB की रैम, जबकि मोटो जी प्ले में है स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर और 3 GB की रैम। पर जब हमने इन दोनों फोन्स में मॉडर्न कॉम्बैट जैसी गेम खेली तो हमें इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया। पर अगर हम एंटीटू स्कोर को देखेंगे तो लॉन्ग रन में हार्ड कोर गेमर्स के लिए वन प्लस थ्री ही एक बेहतर फ़ोन साबित होगा, और ऊपर से वन प्लस थ्री की रैम ज़्यादा है, 6 GB की रैम है, तो मल्टीटास्किंग के मामले में भी वन प्लस थ्री एक अच्छा फ़ोन है। पर अगर आपको ये सारे फीचर यूज़ करने हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी चाहिए, राइट? तो आपको बता दूं कि मोटो जी प्ले इस मामले में वन प्लस थ्री से आगे निकलता है, क्योंकि उसमें आपको मिलती है 3510 mAh की बैटरी, जबकि वन प्लस थ्री में है 3000 mAh की बैटरी। और साथ ही साथ मोटो जी प्ले का प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, इसलिए आपको उस फोन से एक बेहतरीन बैटरी बैकअप मिलेगा। अब बात आती है वर्डेट की, तो दोनों ही फोन्स के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वन प्लस थ्री का कैमरा, उसका डिस्प्ले, हार्डकोर गेमर्स के लिए उसका प्रोसेसर, वहीं मोटो जी प्ले की बैटरी, उसका मॉड्यूलर फीचर और उसकी एक्सपेंडेबल स्टोरेज। तो ये सारे फीचर्स देखने के बाद क्यों ना आप मुझे खुद बताएं कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो ये था मोटो जी प्ले वर्सेस वन प्लस थ्री का छोटा सा कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इन फोन्स को लेकर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @KeshavKhera। Until then, this is Keshav Khera, signing off.